दिल्ली रे आपको लागिला बड़ झटका। निर्वाचन ठीक पूर्व राजनीति सन्यास ने बाचस्पति रामनिवास गोयल। दिल्ली विधानसभा बाचस्पति रामनिवास गोयल राजनीति सन्यास नहीं घोषणा कर विधायक आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को लिखिं चिठी। तबे वयसाधिक हेतु राजनीति सन्यास नहीं कथा कहते चिठीरे रामनिवास गोयल कहते जे गत 10 वर्ष धरी मु विधानसभा विधायक तथा बाचस्पति भाव में मोर दायित्व को पालन करछे। तुम्हें मते सबबेले बहुत सम्मान देछ। मोर बयस हेतु मु राजनीति निजक दूरे रखापी वर्तमान चेष्टा करुछे किंतु मु मोर समस्त हृदय मन और धन सहित आम आदमी पार्टी सेवा जारी रखी। आपण मते जहा दायित्व देबे मु ताकू करबा को चेष्टा करबी बोली रामनिवास गोयल कहते। तबे 76 वर्षीय गोयल 2015 दिल्लीर विधानसभा बाचस्पति रही आसी। तबे अन्यपटे सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त तथा शहीद भगवत सिंह सेवा दल फाउंडेसन प्रतिष्ठाता जितेन्द्र सिंह संटी अरविंद केजरीवाल उपस्थित आम आदमी पार्टी जोगदे। उन्हें एम्बुलेंस मैन और तरह तरह के नामों से जाना जाता है, खासकर जिस तरह से उन्होंने मृत लोगों को सम्मान दिया है उनके बारे में कोई नहीं सोचता, क्योंकि उनसे वोट तो मिलते नहीं है। अगर कोई आदमी मर जाए उसके बाद उससे वोट थोड़ी मिलते हैं। उसका ख्याल तो एक अच्छा और सच्चा इंसान ही रख सकता है जिसके सीने में दिल धड़कता है। अभी तक मुझे बताया गया है कि 70,000 से ज्यादा डेड बॉडीज को सम्मानित तरीके सम्मान के साथ उन्होंने शमशान घाट पहुंचा के उनका अंतिम संस्कार कराया है। खासकर कोरोना के काल में जब लोग अपने घर के लोगों की भी डेड बॉडी लेने में कतराते थे, अपने घर के लोगों की भी डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनका अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं होते थे, अस्पताल से नहीं लेके आते थे, अस्पताल वालों को कहते थे आप ही इनका अंतिम संस्कार कर दो, उस वक्त शंटी जी ने डेड बॉडीज को एक्सेप्ट करके खुद उनको एक्सेप्ट करके और उनका सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया और इस काम के लिए उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। तो जैसा उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक आदमी को पैदा होने से बुढ़ापे तक उनकी सेवा करती है और उसके बाद मृत शरीर की सेवा ये करते हैं, तो ये एक नेचुरल अलायंस है और मैं आज इनका आम आदमी पार्टी में स्वागत करता हूँ। हमारी भी सेवा की ही फिलॉसफी है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रतिनिधि।